क्या बात है, क्या बात है। आज प्रोड्यूसर आया तो अपना जॉब जस्टिफाई कर रहे हो आप लोग हैं। सबको स्टैंडिंग ओवेशन है, वो भी मूवीन को स्टैंडिंग ओवेशन। अगर मूवीन को स्टैंडिंग ओवेशन है ना भाई, तो मेरे लिए तो कुतुब मीनार पर खड़े होकर डांस करना बनता है आप लोगों का। और सर जी आप, क्या बात है, मूवीन को 10 रुपया, राजीव को 10 रुपए। ने पहले ही कहा था साले 10-10 रुपए के आर्टिस्ट है साले। खैर मैं सबको बता दूं, मैं हूं विपुल डी झा, ये मेरा फ्लैट है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा फ्लैट क्यों, क्या बाजू वाला भी मैंने ले लिया है। वो पहले एक ओल्ड आंटी थी, वो बेचने को तैयार ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा आंटी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक ही धक्के की तो बात है। हेलो गांडा, कैसा है कैसा है, क्या पायला को, हाँ हाँ सदा डायरेक्टर रहो। हाँ और अगर प्रोड्यूसर बनने की कोशिश की ना, तो साले तेरे आईब्रो साफ करवा के मुंह भी टकला करवा दूंगा तेरा मैं। अच्छा अच्छा विलन स्पेशल है, मेरे को आना है। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, अर्चना के बाल है ना वो कलर करवा के मुकेम्बो बनाकर बिठवा दो उसको वहां। क्या नहीं मान रही, नहीं मान रही तो शाम को घर पे बुला लो, 3 पत्ती खेलेंगे, सारे पैसे लूट लेंगे उसके। क्या आना पड़ेगा, ए जामनगर नो झिंगो, चिल्ला किस पर है तू, चिल्लाने का नहीं, आ जाऊंगा मैं, आ जाऊंगा। चलो कॉमेडी सर्कस के सेट पे चलते। वाह 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 वाह, क्या ए, इतनो खर्चो मेरे लिए वैनिटी बैन रखी है यार इन लोगों ने। खैर मेरी वैनिटी आ गई है, चलो वैनिटी यूज कर ही लेते हैं। अंदर आ जाओ। अरे ए? ये खाना कहाँ से लाया? लो ना सर। अरे नहीं, अरे लो ना सर, अरे नहीं, अरे लो ना सर, थैंक यू। मेरा क्या, मैं तो हाथ से खा लूंगा। कौन है तू, कौन है तू? हेलो, है कौन है? तमीज से बात करो, मैं स्पॉट बॉय हूँ। स्पॉट बॉय, शूटिंग पे स्पॉट बॉय भी है? कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? सर जी एक दिन का 800 रुपया मिल जाता है। 800 रुपया एक मिनट, निकुल गंडा क्या लगा के रखा हुआ तूने? स्पॉट बॉय रखे तूने? साले एक एक रुपए बचाने के लिए मैं कागज के कच्चे पहन के घूम रहा हूँ, तुम 800 रुपए खर्चा कर। अरे मैंने तेरे को पहले ही बोला था साले, कंटेंट बेस्ड शो इसमें डायरेक्टर का कोई काम नहीं है। एक्शन बोल के चाय बनाने चला जाया कर, कट बोल के कटिंग पिला दिया कर सबको। बता क्या करने के लिए आया इधर? सर जी आपको आज स्पेशल विलन है ना, तो आपको बुलाया इधर, तो आपके लिए कोट लेके आऊं मैं। कोट, इसका मतलब अंदर एसी ऑन है? अरे बंद करवाओ एसी, देख लूंगा इन सब लोगों को। सर जी एक बात बताऊं, हाँ मैं जरा पिज्जे का ऑर्डर दिया है, वो अपने यादव साहब ने। पिज्जा? हाँ जी। साले कचौरी जैसा मुंह वाला आदमी सिद्धार्थ यादव पिज्जा खाता है? हेलो माइंड योर लैंग्वेज, अगर उसके बारे में एक भी लफ्ज कहो तो काट के रख देंगे। क्यों? हमारी यूनियन का एक ही बंदा तो आगे निकला है यार, उसको निकलने दो। हौसला रखिए आप सर, हौसला रखिए। मैं रख रहा हूँ, तू निकल यहाँ से साले भाग। साले सब ऑप्टी का माल खाते जा रहे हैं यहाँ पर। अरे इससे अच्छा तो मैं अहमदाबाद हाईवे पे एक ढाबा खोल देता यार। मेरे लुट गया मैं। कैसे हो तुम? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कपिल, कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर से तुम्हारा पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार कर रही हूँ मैं। सोचो अर्चना पूरन सिंह बिना मेकअप के पीपल के पेड़ के नीचे। माय गॉड, यहाँ तो इतनी भयानक अफवाह फैली हुई थी और वो सच हो जाती है आज कि पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैलें घूमती हैं। तुम उससे प्यार करते हो ना कपिल, एक बार मुझे कह दो आई लव यू टू। कपिल मेरे कान तरस गए हैं। कपिल एक बार कह दो, मैं कहती हूँ गुप्ता जी का बंगला तुम्हारे नाम करवा दूंगी। गुप्ता जी का बंगला मेरे नाम कैसे करवाओगी? What do you mean? मैं उसको कह दूंगी आई लव यू टू। आई लव यू तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं कपिल नहीं, मैं विपुल हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विपुल मेरा पैसा दो। इतना सा हक करने के काहे के पैसे? बकवास बंद करो, हक करने के नहीं, जजमेंट का पैसा मांग रही हूँ मैं। अरे जजमेंट की तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम कहाँ भागी जा रही हो हैं? अच्छा एक बात बताओ, वो जो लड़का है ना वो
वो जिसको हमने फिर दोबारा लिया था जज में, वो कहाँ गया वो? कौन सोहेल? हाँ हाँ हाँ, उसको छोड़ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो जो आज विलन स्पेशल है ना, मुझे गेस्ट बुलाया है इन लोगों ने। गेस्ट बुलाया है? पहली बार जज सही थीम पे फिट करा है। अरे क्या बात है, क्या बात है, सोहेल भाई का डांस किया है सर, ये शो आप ही की वजह से चल रहा है। देखो वो तो पता है, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें पैसे के लिए हो जाती हैं। आइए आइए बैठो बैठो, ज्यादा तालियां बजाओ, मैं विपुल आ विपुल। वाह वाह, बहुत ही अच्छा। विपुल मैं भाई, हाँ मुझे पता चला कि आप राइटर भी रहे हैं। अरे मैं बहुत इमोशनल आदमी, बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपनी जिंदगी में, पता है 8-8 लोग एक छोटी सी जगह पर ऐसे एक साथ सोते थे, आपको पता? अरे वो साले इतने निकम्मे थे, रोज सुबह लात मार के उठाओ कोई उठता ही नहीं था, फिर अगले दिन मुझे पता चला वो तो कब्रिस्तान था। अरे वही मैं सोचूं, दिन रात राइटिंग मैं करूं, दिन रात मेहनत मैं करूं, और लोग गुलदस्ता उनको देके चले जाते थे। ये क्या? वो चूहा आ गया नीचे। ये कृष्णा सुदेश कमाल का एक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा। मैं तो कहता हूं इनका जो राइटर है ना, उसे 1,000 रुपया देना चाहिए। हाँ क्या बात है, नहीं 1,000 रुपया ही देना चाहिए, साले सटार लिख लिख के इनका दिमाग खराब हो गया। एक मिनट, ये कॉमेडी में जो अपना स्टाइल होता है, ये स्टाइल लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि मैं राइटर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ इन चीजों को। सर मैं मानता हूँ सर आप राइटर फैमिली से, लेकिन सर मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियां बना दी, मैंने शो खड़ा किया, आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। यहाँ पे पंजाब से 2-2 टके के आर्टिस्ट आए थे जिनके पास खाने पीने को कुछ था नहीं, आज सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास अपने अपने फ्लैट हैं, किसी के पास छत नहीं थी, लेकिन आज सब लोग रूल कर रहे हैं इसीलिए, और मेरे को सब लोग कहते कि मैं पैसे नहीं देता हूं, आज मैं सबके पैसे दूंगा। शुरू होने वाला है, एक मिनट रुक जाओ। ये लीजिए अर्चना जी आपका चेक, सोहेल भाई आपका चेक। 14 तालियां बजाएं आज विपुल में भाई, ये चीज के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था, आर्टिस्ट लोग आपको गालियां देते थे, लेकिन आज जो आपने उनको चेक दिए हैं, आज सब बहुत खुश हो रहे हैं। अरे असली खुशी तो तब होगी जब मैं असली वाला दूंगा। अरे असली वाला बैठा है, ले लो इनसे, इधर बैठा है, लो तुम लोग अपना अपना पैसा लो। अर्चना आपसे शुरू करते हैं, कैसा लगा ये एक्ट आपको? माइंड ब्लोइंग। इधर दो। अभी मैं देख रही हूँ कि 10-10 रुपए वाले हैं तो, लेकिन क्योंकि ये विपुल की तरफ से विपुल को है तो फिर ये बेटर है ना। ये हमारी टीम के लिए और स्पेशली राज के लिए फिर से 1,000 रुपया। सोहेल मुझे लगता है कि आज फिर से यहाँ कुछ चूहा घुसाया है। लवली, फर्स्ट तो ओवरवेम्ड बिकॉज इतनी इज्जत देने के लिए कृष्णा एंड सुदेश हमेशा। अरे सब करते हैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसी टी शर्ट पहनता था पहले, जब से पता नहीं ये किसको सूझा ये टी शर्ट वाला, और जब पहला एक्ट हुआ वो 2-3 एक्ट पॉपुलर, उसके बाद कैरेक्टर बिल्डअप होते गया, तो उसके बाद मैंने सब टी शर्टें निकाल दी। लोग टी शर्ट से पहचान लगे, आप ही विपुल सर हैं, पैसे नहीं देते। और एक्चुअली एक बार बिलीव करूँगा, बुआ के मेरा सोनगढ़ से गुजरात से फ़ोन आया था, और उनको जेन्यूनली लगा था, किसी ने बताया होगा, और उन्होंने शो भी देखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बहुत समझाया और बोला कि देखो कभी कभी इंसान बिजनेस में फंस जाता है, लेकिन सबको बुलाओ, बिठाओ, बात करो, धीरे धीरे दो, तुम्हारे दादाजी का बहुत बड़ा नाम है, ख़राब नहीं होना चाहिए। और सीरियसली वो, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम पैसे देते, बोलते नहीं नहीं बेटा क्यों बोलते, उनके चेहरे पर दर्द दिखता है, बोलते नहीं देखा, उन्होंने देखा। फॉर्मेलिटी के लिए इतनी तारीफ हो गई, अब नंबर्स देख ले। सोहेल विल स्टार्ट विद यू। 10 पॉइंट्स सोहेल एंड अर्चना।